मैं रिकॉर्डिंग में यहाँ पे, क्योंकि कुछ अगर लोग, बट इसमें बहुत ही आसान था, कुछ लोग जैसे पिछले लेक्चर में अर्ली लेफ्ट कर गए थे, मैं उसका नेम नहीं लेना चाहूंगा, ऑलरेडी मेरा ऑप्शन लिस्ट, वो ऑप्शन लिस्ट में नाम आया हुआ मेरे पास, बट कोशिश करो फिर अर्ली भी लेफ्ट करते हो तुम्हारा नेम ऑप्शन लिस्ट में ही आएगा। और ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें, दो तीन लेक्चर का, जो कि कौन सा ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है ये तो याद रखना है इसमें। आइडो फॉर्म टेस्ट जो होता है, जहां कहीं भी ये दो ग्रुप दिख जाए, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एंड सी एच ओ एच सी एच, ये दोनों ग्रुप क्या होता है, आइडो फॉर्म टेस्ट देता है। सर मुझे पता कह चले कि ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, ठीक है, ये टेस्ट कराते हैं। जब इस दोनों कंपाउंड का आई टू एन एच के साथ रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे, तो फाइनली क्या बनाता है, सी एच आई थ्री, और सी एच आई थ्री का कलर क्या होता है इसमें, येल्लो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, येल्लो पिक। अब यहाँ पे जो आर है, ये इस आर के जगह, तो मैं कुछ पार्ट को अगर इरेज करूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, बताओ कोई भी एक बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, कीटोन, टोन सही है बिल्कुल, ये क्या रहेगा, कीटोन। डॉन अब यहाँ पे देख, अब यहाँ पे आर के जगह अगर एच पुट कर दिया जाए तो फिर कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, ये क्या जाता है इसमें यहाँ पे, ये दोनों में से कोई कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन भी हो सकता है, दैट मीन्स आर के जगह एच भी हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पर भी सेम, इस दोनों जो आर आ रहा है यहाँ पे है, इस दोनों आर के जगह यहाँ पे एच भी हो सकता है, या कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई एराइल ग्रुप हो सकता है, बट आर के जगह ओ एच नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू ओ एच एन एच टू, कोई भी हेलोजन नहीं हो सकता है वहां पे इस तरीके का, कोई भी ओ आर ग्रुप नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये सब जब ग्रुप आ जाएगा, मान लो कि आर के जगह ओ एच ग्रुप पुट कर दिए, तो कौन सा ग्रुप हो जाता, अल्कोहल आर के जगह ओ एच अगर पुट करते हैं यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ एच हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे मुझे एल्डिहाइड एंड कीटोनिक चाहिए, वही आइडो फॉर्म से दे पाता है, तो आर के जगह नॉट इक्वल टू, इक्वल टू क्या होगा, एच हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप होगा, एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप का मतलब क्या है, एरोमेटिक रिंग है, दैट मींस बेंजीन भी हो सकता है वहां पर, एराइल मींस एरोमेटिक रिंग, और हम लोग पढ़े क्या अभी तक बेंजीन रिंग को क्या बोले थे, एरोमेटिक। एनएच टू अगर पुट कर दिया जाए आर के जगह तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, कुछ बताओ सर, तो अगर एनएच टू को पुट किया जाए अमाइड, वो क्या हो जाएगा, अमाइड, बिल्कुल करेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, अमाइड। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो, फंक्शनल ग्रुप क्या रखना है, एल्डिहाइड एंड कीटोनी रखना है यहाँ पे, तो दोनों जगह पे क्या होगा, आर के जगह सिर्फ एच या अल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जो तुम लोगों के टेस्ट में आ सकता है, क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव आइडो फॉर्म टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव आइडो फॉर्म टेस्ट, विल गिव आइडो फॉर्म टेस्ट, जब भी आइडो फॉर्म टेस्ट का क्वेश्चन आता है उसमें ध्यान क्या रखना है, कि ये दो ग्रुप वहां पे आना चाहिए, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ फिर दोबारा से, सी ओ सी एस टी लास्ट में क्या हो, सी एस टी हो, और यहाँ पे बेसिकली मिसिंग था सी एच ओ एच और ये सी एस, बस ये दो ध्यान रखना है वहां पर, जहां भी ये दोनों ग्रुप आ गया तो आइडो फॉर्म टेस्ट दे पाए, देखने ध्यान से वहां पे सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, कॉपी भी करो उस वक्त क्वेश्चन को, यहाँ पे करना है सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टी, सी एस थ्री सी एच OH CH3, CH3 CH2 OH,
सर इसके पहले कोई स्लाइड नहीं थी ना, नहीं, इससे पहले कोई मैं स्लाइड यहाँ नहीं पे थी इंटरनेट क्या? कनेक्शन है प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने। CH3 C डबल बॉन्ड O, CL C डबल बॉन्ड O, CH3। इसमें से बस ये बताना है तुम लोगों को कि कौन सा ऐड ऑफ फॉर्म टेस्ट देगा कौन सा नहीं देगा। मैं अगर नंबरिंग कर दूं इसमें 1 2 3 4 5 6 7, बस चेक करके बताना है आपको। ऑलरेडी तो सामने यहाँ पे दिया गया है CO CH3 एंड CH2H, ये दो ग्रुप ऐड ऑफ फॉर्म टेस्ट दे पाता है। क्वेश्चन नोट पर इसमें सोच के बताना है कौन कौन सा ग्रुप आइडो फॉर्म टेस्ट दे पाएगा। और आइडो फॉर्म टेस्ट में देखना कि ये कलर क्या शो करता है, ये याद रखना है। यहाँ पे येलो PPT बनाता है जब भी ये आइडो फॉर्म बनता है आफ्टर रिएक्शन विद I2NO8। थ्री फोर सेवन चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा आ रहा है। 1 2 3 6 7, मैंने यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटोन ही होना चाहिए। एक तरफ CH3 C डबल बॉन्ड ये तो होना ही चाहिए और नीचे भी CH3 CH2 ये स्पेसिफिक ये ग्रुप हो तभी वो आइडो फॉर्म टेस्ट दे पाएगा। तो आंसर आ रहा है इसमें आदित्य के मोहनत के, देख लेते हैं वहां पे क्वेश्चनों का अलग अलग आंसर आ रहा है। तो देखते हैं आंसर आ रहा है इसमें, नितिन के भी आ रहे हैं, वैभव प्रमुख सब के आंसर आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे सब लोगों का एक एक डिफरेंट आ रहा है वहां पे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट की बात करें, मेनली देखना क्या था कि मिथाइल कीटोन हो, यहाँ पे CH3 अंडरस्टूड है और ये सी डबल बॉन्ड हो CH3, ये तो मिथाइल कीटोन आ रहा है, ये आइडो फॉर्म टेस्ट दे पाएगा, क्लियर है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड आइडो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि एक CH3 चाहिए उसके बाद सी डबल बॉन्ड चाहिए, दैट मींस मिथाइल कीटोन, तो सेकंड आइडो फॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि किसी भी साइड सी डबल बॉन्ड ओ के बाद CH3 नहीं आ रहा है, क्लियर है। थर्ड थर्ड दे पाएगा, इसमें क्या प्रेजेंट है सी डबल बॉन्ड ओ CH3 आ रहा है, तो थर्ड भी आइडो फॉर्म टेस्ट दे पाएगा, दैट मींस एक CH3 हो वहां पर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक। फोर्थ क्या लग रहा है तुम्हें, देगा या नहीं देगा टेस्ट आइडो फॉर्म? फोर्थ को भी ध्यान से देखोगे, ये जो पार्ट है CHOH CH3, ये भी आइडो फॉर्म टेस्ट दे पाएगा क्योंकि ये देख लो जो सर्कल मैंने क्या हुआ यहाँ पर एज इट इज CHOH CH3 यहाँ पे आ रहा है, बाकी इधर कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो फोर्थ भी देगा आइडो फॉर्म। फिफ्थ की बात करें यहाँ पे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा तुम्हें, अगर देखोगे इसमें CH3 CH2 OH की फाइल आउट हो गई, इसी को हम लोग रिड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से RCH OH CH3, ये भी तो फाइल अल्कोहल ही है CH3 CH और यहाँ पे CH2 तक एक H को मैंने अलग कर दिया है CH3 CH और एक OH और ये ग्रुप तो इसमें भी प्रेजेंट है और R के जगह H भी हो सकता है यहाँ पर भी, दैट मीन्स फिफ्थ भी आइडो फॉर्म टेस्ट देगा, क्लियर है, इसको रिड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा। सिक्स सेवन की बात करें यहाँ पे तो 6 7 आइडो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा, मैंने भी बताया था कि R के जगह क्या नहीं होना चाहिए OH NH2 कोई भी हेलोजन नहीं होना चाहिए वहां पर, यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, ये एसिड आ गया ये टेस्ट नहीं देगा और ये भी एसिड क्लोराइड हो गया ये भी आइडो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आइडो फॉर्म सिर्फ मिथाइल कीटोन एंड अल्कोहल स्टाकर अल्कोहल आइडो फॉर्म टेस्ट दे पाता है, क्लियर है, किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ पे आइडो फॉर्म टेस्ट में। और इसमें मेनली कलर याद रखना होता है तुम्हें, ये किस कलर का आ रहा है यहाँ पे, ये क्या रहता है फाइनली येलो कलर का। क्वेश्चन भी इसी टाइप से रहेगा, अलग अलग ग्रुप दे दिया, चार ऑप्शन उसमें पूछा कौन सा आइडो फॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे
ये हम देख रहे थे, ये भी एल्डिहाइड एंड कीटोन का ही टेस्ट है, इसमें अल्कोहल भी आ रहा है यहाँ पे है। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें टेस्ट फॉर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट। सर वेट अ मिनट, लिख रहा हूँ सर, कॉपी कर लो सर। जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर जो प्रोडक्ट मिसिंग है। बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है तुम्हारा वहां पे, कुछ क्लियर नहीं आ रहा, क्या बताना चाह रहा हूँ सर? चैट बॉक्स में बता सकते हो इसमें क्या बोल रहे हो, क्या मिसिंग है? मेनली इसमें जो सेवन आ रहा है इसमें तुम्हारा जो आ रहा है इसमें सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे मैंने लिख दिया, अभी ऐड कर दिया, बाद में देखोगे ध्यान से, वो एक आ रहा है यहाँ पे। तो ठीक है सर, सेवन में सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या रहेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, तो ये इतना ही रहेगा यहाँ पे, ये एसिड सॉल्ट में ही रहा था, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, इसमें भी सी एच आई थ्री और इसमें भी सी एच आई थ्री, दोनों केस में प्रोडक्ट सेम बनता है यहाँ पे। तो बताओ क्या पूछ रहे हो अभी सर? सेवन तो देगा ना एड फॉर्म टेस्ट? नहीं, सेवन क्यों नहीं देगा, उसका रीजन यहाँ पे देख रहे हैं, ये फंक्शन ग्रुप ही चेंज हो जा रहा है, ये ग्रुप तो है बट इसमें आर के जगह क्या होना चाहिए, सिर्फ एच हो सकता है अल्काइल या एराइल, नॉट इक्वल टू आर के जगह क्या नहीं हो सकता है, मैंने इसका मीनिंग आर का ही बताया यहाँ पर, आर नॉट इक्वल टू ओ एच एन एच टू एक्स, और एक्स का मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी हैलाइड हो, यहाँ पे जब सी एल आ गया ये एल्डिहाइड कीटोन रहा ही नहीं, ये एसिड क्लोराइड हो गया, और जब एसिड क्लोराइड हो गया ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाता है, में चाहिए क्या, सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन चाहिए। क्लियर अब यहाँ पे? यस सर। चलो ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, कॉपी भी कर चुके होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट है इसमें टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी एसिड हो सकता है, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, और भी एसिड पढ़े थे, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और भी जो भी एसिड रहेगा देखेंगे, और भी एग्जांपल आएगा यहाँ पे, पहले अभी हेडिंग डालोगे टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड, और इसके लिए जो टेस्ट होता है यहाँ पे बोलते हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाई कार्बोनेट, और सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है इसमें सबको पता है, NaHCO3 टेस्ट, शॉर्ट में इसको NaHCO3 टेस्ट बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट। अब देखो ध्यान से यहाँ पे इसमें होता है क्या है कि जब भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन NaHSO3 के साथ कराता है यहाँ पर, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ, Na प्लस और HSO3 माइनस, देखिए NaCl होता है Na प्लस Cl माइनस, इसी तरह यहाँ भी आयनिक कंपाउंड है Na प्लस HCO3 माइनस। और एक पॉइंट अगर याद हो, मैंने ये भी बताया होगा कि एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन स्टार्टिंग हो सकती है, यहाँ पे जो एच है वो किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से, ये जो एच होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है और एक्टिव हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी जो भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो एच प्लस के फॉर्म में यहाँ से बाहर चला जाता है वाटर में, जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है, यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है इस केस में आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस Na प्लस, ऐसा कुछ पढ़े होगा टेंथ में रिप्लेसमेंट रिएक्शन टाइप से,
और इसका जो एक H प्लस है इस एसिड का HCO3 माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, और जब HCO3 माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो क्या बन जाता है H2CO3, और इसका नेम किसी को पता है बताओ H2CO3 का? H2CO3 का नेम सही है बिल्कुल, ये क्या रहेगा कार्बोनिक एसिड। H2CO3 का नेम क्या होता है कार्बोनिक एसिड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड टाइप से इसको याद रखना यहाँ पे। अब H2CO3 जो होता है रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है, ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है CO2 प्लस वाटर। अब यहाँ पे देखना है सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही टेस्ट है, एक ऐसा कंपाउंड जब भी जिसके साथ की NaHCO3 जब रिएक्ट कर रहा है और वहां से अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल या CO2 गैस रिलीज हो रहा है यहाँ पे, हम वो समझ पाएंगे वो क्या रहा होगा, कोई एसिड ही रहा होगा, एसिड या सल्फोनिक एसिड इस टाइप का कुछ आ रहा होगा यहाँ पे। जब भी किसी एसिड से सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होता है वो एसिड सॉल्ट बनाता है, इसको क्या बोलते हैं एसिड सॉल्ट प्लस H2CO3, बट H2CO3 अनस्टेबल होता है वो फर्दर किसमें ब्रेक हो जाता है CO2 प्लस वाटर, और यही जो CO2 मॉलिक्यूल है जैसे रिएक्शन से बाहर जाता है CO2 गैसियस फॉर्म में वो समझ पाते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड में से कुछ रहा हो। क्लियर है यहाँ पे है, जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका रिएक्शन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं वो CO2 गैस रिलीज कर पाता है। और मान लेते हैं कि अगर सल्फोनिक एसिड भी हो RC डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है सल्फोनिक एसिड, इसका भी रिएक्शन अगर NaHCO3 के साथ कर दिया गया यहाँ पर भी क्या प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ ये H यहाँ से बाहर जाता है और Na+ प्लस आकर के एसोसिएट हो जाएगा RS डबल बॉन्ड O O माइनस Na+, और ये भी क्या बन जाएगा फिर से HCO3 माइनस और H+ फिर से H2CO3, और ये किस में डिसोसिएट हो जाता है CO2 प्लस H2O, यहाँ से भी CO2 गैसेस फॉर्म में बाहर जा रहा होता है, दैट मींस सल्फोनिक एसिड भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे पाता है। सर यहाँ तक कॉपी करो फिर देखते हैं, आप बताओ क्या डाउट है सर, वो कार्बोनिक एसिड ऑटोमेटिक डिसोसिएट होता है या फिर कुछ उस पे रिएक्ट करना पड़ता है? ये इवन रूम टेंपरेचर पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो सिर्फ बना रहा है यहाँ पे है, बट H2CO3 यहाँ पे फॉर्म ही नहीं होता, फॉर्म ही नहीं होता यहाँ पे, जैसे रिएक्शन होता है डायरेक्टली CO2 ही बनता है, बट हम लोग बस समझने के लिए HCO3 माइनस H+ को एक्सेप्ट करता है कि H2CO3 बन पाता है कार्बोनिक एसिड, और नॉर्मल टेम्परेचर पे भी है CO2 एंड वाटर बनकर बाहर चला जाता है, पता कैसे चलता है कि यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, जो CO2 का स्मेल है वो आ पाता है वहां पे, जैसे रिएक्शन कराओगे किसी एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो जैसे रिएक्शन होगा यहाँ पे तो CO2 मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, जो CO2 का स्मेल है वो आ जाता है, तो समझ पाते हैं कि वो CO2 गैसियस फॉर्म में बाहर जा रहा है, और CO2 अगर बन के बाहर जा रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड होगा मेनली, एक तो एग्जाम्पल और भी है बट मेनली ये एसिड के लिए यूज किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड या कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड भी हो लाइक HCl, HCl का भी रिएक्शन अगर यहाँ पे कराया जाए NaHCO3 के साथ या फिर H2SO4 कोई भी आ रहा है यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा खुद से चेक करके बताओ सब लोग, लास्ट में HCl का अगर रिएक्शन होता है NaHCO3 के साथ इसमें क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए चेक कर लो NaCl NaCl बिल्कुल करेक्ट है NaCl क्योंकि ये Na plus HCO3 minus और ये क्या रहेगा जब ये डिसोसिएट होता है H plus और Cl minus ये क्या बन जाएगा H2CO3, बट H2CO3 तो अनस्टेबल होता है ये फर्दर किसमें डिसोसिएट हो जाएगा CO2 plus water, इस एरो का मतलब क्या यहाँ पे कि गैसियस फॉर्म में रिएक्शन से बाहर जा रहा है और एरो कहीं नीचे दिया जा रहा है तो वो पीपीटी फॉर्म कर रहा है प्रिसिपिटेट आउट हो रहा है,
जो भी एसिड है ऑर्गेनिक एसिड में हम बात कर लें कार्बोक्लिक एसिड सल्फोनिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड HCl आ रहा है या H2SO4 सबके साथ जब सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस बाहर जा पाता है। और जैसे CO2 गैस बाहर जा रहा रिएक्शन पे वो समझ पाएंगे यहाँ पे ये कोई ना कोई एक एसिड रहा होगा यहाँ पे तभी वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन के बाद CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। अब इसके अलावा एक पॉइंट याद रखना है एक और देखते हैं किन्हीं को अगर ये याद हो इसका कॉमन मैंने बताया था OH। अब OH के रिस्पेक्ट में दोनों आर्थो और पैरा पे अगर NO2 ग्रुप आ जाए बेसिकली क्या रहा इसको यहाँ पे मैं रिलीज कर देता हूँ स्टार्ट को ये बेसिकली क्या यहाँ पे ये N4 और एक NO2 नीचे लगा दिया है। इस कंपाउंड का नियम क्या होता है क्लियरली एग्जांपल लिए फिनॉल के रेस्पेक्ट में पिक्रिक एसिड सही है बिल्कुल इसका नेम क्या होता है पिक्रिक एसिड हमने क्लास में किए हुए थे कि फिनॉल के रेस्पेक्ट में 2-4-6 पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाए इसका नेम क्या होता है पिक्रिक एसिड। ये भी एक एसिड है पिक्रिक एसिड जैसा कि मैंने क्लास में बता रखा है ये भी NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर पाता है और जब ये भी रिएक्ट करेगा यहाँ पे सिर्फ इसका एक H बाहर चला जाता है और Na इस ऑक्सीजन के साथ आ जाता है ये क्या होगा यहाँ पे O- Na+ प्लस और बाकी जो NO2 है वो सब एजिटिव तो पिक्रिक एसिड भी NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर पाता है और आफ्टर रिएक्शन ये भी क्या बनाएगा HCO3- और H+ H+ ये आ रहा है यहाँ पे वो क्या हो जाता है H2CO3 और ये भी फर्दर किसमें ब्रेक हो जाता है CO2+ वाटर यहाँ से भी गैसियस फॉर्म में CO2 मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है दैट मीन्स पिक्रिक एसिड भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे पाता है। जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट किसी के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा CO2 मॉलिक्यूल रिलीज करेगा गैसियस फॉर्म में CO2 बाहर जाएगा और जैसे CO2 का स्मेल आ रहा है आ जाएगा हाँ बिल्कुल ये मेनली क्या रहता है उतना भी एसिड है उसी के लिए होता है सर हाँ बताओ सर ये हर एसिड के लिए एप्लीकेबल रहेगा ये टेस्ट बिल्कुल जो भी एसिड है हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा जो भी एसिड आ रहा है और मेनली जो यूज करते हैं वो मैंने हेडिंग जो डाला था इसके लिए ज्यादातर यूज करते हैं ऑर्गेनिक की बात करें तो कार्बोक्लिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड। अब फिनॉल जैसे ये कार्बोक्लिक एसिड नहीं है बट इसका भी नेम क्या था पिक्रिक एसिड ये भी दे रहा है इसी तरह एक दो एग्जांपल और है वो भी टेस्ट दे पाता है बट मेनली किसके लिए यूज करते हैं इस दोनों के लिए कोई भी आर का वैल्यू कुछ भी हो कार्बोक्लिक एसिड ग्रुप है दैट मींस ये टेस्ट दे पाएगा। अब मैं कई बार स्टार्टिंग में रिपीट करता हूं ऐसा नहीं कि POC में पहले यहां पे खत्म हो गया फिर नहीं आएगा दोबारा वक्त में ये दोबारा आएगा बट यहाँ पे बस कौन सा टेस्ट देता है वो देखना ये कैसे रिएक्ट करता है इसका वो प्रॉपर मिक्सन देखना है वहाँ पर बट यहाँ पे 2-3 लेक्चर का POC दे दिया गया जो कि हम लोगों को 11th में ही पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन को कौन सा टेस्ट देता है क्योंकि कुछ स्कूल कुछ कॉलेज में 11th में प्रैक्टिकल कराया जाता है जिसके लिए यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए बाकी अभी तो ऑफलाइन लेक्चर ऑफलाइन स्कूल कॉलेज चल ही नहीं रहा है तो प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहा होगा
डन तो ठीक है, कर ले कॉपी कर ले सब लोग। कर ले कॉपी, हो गया सर। ठीक है, यहाँ पे नोट को लिखना था। इफ एनोटो ग्रुप प्रेजेंट ऑन एनोटो ग्रुप प्रेजेंट ऑन पैरा क्वेश्चन पैरा क्वेश्चन ऑफ किनाओ देन दैट कंपाउंड आल्सो गिव्स एन एक्सेप्टेबल आल्सो गिव सोडियम बाइकार्बोनेट अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखना है, जो फिनॉल होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, NaHCO3 उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता, बट फिनॉल के रेस्पेक्ट में, फिनॉल के रेस्पेक्ट में अगर आर्थो पैरा पोजिशन, अब आर्थो मेटा पैरा तो सबको क्लियर है, OH के रेस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पर NO2 ग्रुप अटैच कर दिया जाए देन ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे पाता है, और जब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा तो इसमें सबका रिएक्शन ये भी क्या बनाएगा, इसमें O माइनस एन ए प्लस और ये क्या आ जाता है यहाँ पे एनओ टू, बाइपोर्ट क्या बनेगा फिर से सोच के बताओ, यहाँ पर भी एच प्लस यहाँ से आएगा वो सेम बनेगा यहाँ पर H2CO3, H2CO3 बिल्कुल सही है, और ये फर्दर किसमें डिसोसिएट हो जाता है CO2 प्लस वाटर, ये एक पॉइंट अलग से याद रखना होगा यहाँ पर। अब इसके रेस्पेक्ट में एक और एग्जांपल लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे, सर ये कौन सा एसिड है, ये कोई अलग से एसिड नहीं, इसका कुछ स्पेसिफिक नेम नहीं, इसका अगर नॉर्मल नेम बोलोगे ये क्या रहता है पैरा नाइट्रो फिनॉल का सिंपल नेम होता है यहाँ पर, बट यहाँ पे देखिए फिनॉल ये रिएक्ट नहीं करता है NaHCO3 के साथ, बट OH के रेस्पेक्ट में जब पैरा को जैसे NO2 ग्रुप लग जाता है तो फिर ये और भी ज़्यादा एसिडिक हो पाता है, और एक कंडीशन यहाँ पर हम देखते हैं अभी कौन कौन सा रिएक्ट कर पाता है बेसिकली OH, इस पॉइंट में आता हूँ अभी है OH NO2, पैरा पे तो एक NO2 हो ही, एक NO2 आर्थो पे भी अटैच कर दिया जाए ये और भी इजीली रिएक्ट कर पाता है यहाँ पर NaHCO3, O माइनस एन ए प्लस एनओ टू एनओ टू प्लस एच टू सी थ्री, और ये एच टू सी थ्री फर्दर किसमें डिसोसिएट हो जाएगा सीओ टू प्लस एच टू। अब यहाँ पे देखो होता है क्या इस केस में, एक कंडीशन यहाँ पे होता है, कंडीशन में नोट करोगे यहाँ पे क्लास, एन एसिड विच इज मोर एसिडिक देन, विच इज मोर एसिडिक देन एच टू सी ओ थ्री दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड विल रिएक्ट विथ एन एच सी ओ थ्री सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई भी एक एसिड जो कि H2CO3 से मोर एसिडिक होगा वो रिएक्ट कर पाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है दैट मीन्स वो
टेस्ट दे पाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के। कौन कौन सा एसिड, कौन कौन सा कंपाउंड H2CO3 से मोर एसिडिक होता है वो कैसे पता चले, वो फिर आगे का पार्ट है। बट यहाँ पे जो याद रखना है कि कार्बोक्लिक एसिड, सल्फोनिक एसिड एंड फिनॉल के रेस्पेक्ट में अगर NO2 ग्रुप आ रहा है, सिर्फ पैरा पे आ जाए या आर्थो पैरा दोनों पे आ जाए, या फिर पीछे मैंने एक एग्जांपल लिया था दोनों आर्थो और पैरा पे आ जाए, वो फिर रिएक्ट कर पाएगा NaHCO3 के साथ और CO2 गैस फिल कर पाएगा। क्लियर है यहाँ पे है? एक ये पॉइंट अभी याद रखना है, ऑल कार्बोक्लिक एसिड, ऑल सल्फोनिक एसिड एंड फिनॉल के रेस्पेक्ट में पैरा और दोनों आर्थो या एक आर्थो और पैरा पे आ जाए NO2, तो फिर वो रिएक्ट कर पाता है, इतना याद रखना है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कंपेयर भी करेंगे कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, उसको कंपेयर कैसे करते हैं, तो फिर आगे का पार्ट है। तो ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लो। ये बाकी क्वेश्चन जो आता है तुम्हारा इसमें ज्यादातर वो कार्बोक्लिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड के लिए टेस्ट होता है, क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड रहेगा। बट इसमें भी अगर एक्स्ट्रा एक दो क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो उसको भी याद रखना है, क्योंकि मेनली वो टेस्ट किसके लिए एडिंग डाले हुए थे, कार्बोक्लिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड के लिए। बट केमिस्ट्री है इसमें एक दो पॉइंट एक्सेप्शन टाइप से एक्स्ट्रा आता है याद करने के लिए, यहाँ पर ये सब भी रिएक्ट कर पाता है। अब एक टेस्ट पढ़े होगा तुम लोग टेंथ में एसिड बेस चैप्टर में, एसिड जो भी होता है वो लिटमस टेस्ट भी देता है, और लिटमस टेस्ट अगर एसिड के लिए आ रहा है तो किस कलर को किस में कन्वर्ट करता है कुछ याद हो? ब्लू टू रेड। तो वो टेस्ट तो होता है यहाँ पे। आगे एक पॉइंट बस लिख भी लेते हैं सिंपली, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि जो भी एसिड है वो लिटमस टेस्ट भी देता है जो कि ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा। जो भी रिएक्शन है NaHCO3 के साथ उसमें कर क्या रहा है कि H को हटा करके Na आ जा रहा है और H2CO3 बना दे रहा है, इतना भी रिएक्शन देख रहे हैं। कर ले कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। बता सब लोग यहाँ पे कॉपी कर लिया था सब लोग? यस सर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। कर लो नहीं अब यहाँ पे HNO3 नहीं लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ H2CO3 से मोर एसिडिक, ये कंडीशन क्यों होता है क्योंकि एज ए बाय प्रोडक्ट H2CO3 बन जाता है, लेट मी से कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, जो H2CO3 से मोर एसिडिक है वो फिर रिएक्ट कर पाता है। यहाँ पे HNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इट मीन्स HNO3 कोई टेस्ट नहीं देता है वहाँ पे। HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा बट वो कोई टेस्ट ओवर नहीं होता है क्योंकि उसमें CO2 रिलीज नहीं होता है। और इसे पता चले यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल मुझे पता करना है, उसका रिएक्शन अगर करा देते हैं NaHCO3 के साथ और CO2 गैस रिलीज हो रहा है यहाँ पे, हम लोग समझ पाएंगे वो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक कंपाउंड है वहां पे, तभी उसके साथ रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट है इसमें लिटमस टेस्ट, और ये मैं अलग से तुम लोग ने लिखा है, जो भी एसिड होता है वो लिटमस टेस्ट देता ही देता है, लिटमस टेस्ट ये सबको पता है, इसमें अलग से नेक्स्ट टेस्ट होता है इसमें ईस्टर के लिए, टेस्ट फॉर ईस्टर, टेस्ट फॉर ईस्टर फंक्शन।
और ये काफी आसान सा टेस्ट है इसमें। अब कोई भी अगर स्टार आ रहा है यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड को आर डैश, आर और आर डैश कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब जो स्टार होता है उसका जो स्मेल होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रूटी स्मेल। क्लियर है यहाँ पे है स्टार का जो स्मेल होता है वो क्या रहता है इसमें फ्रूटी स्मेल या स्वीट स्मेलिंग लिक्विड स्टार्च लिखा रहता है यहाँ पे। स्वीट स्मेल या फ्रूटी स्मेल वो स्टार का होता है इसमें। जब इस स्टार का रिएक्शन NOH प्लस फिनोक्टिलीन फिनोक्टिलीन और जो फिनोक्टिलीन जो कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहता है, उसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स रहता है, उसका मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। बट जो फिनोक्टिलीन का कलर होता है वो पिंक कलर का रहता है। ऐसा कुछ पढ़े भी होंगे पहले इसका में भी ये वर्ड आया होगा फिनोक्टिलीन एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है। स्टर का रिएक्शन जब भी NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोक्टिलीन के साथ किया जाता है उसमें जो कंपाउंड होता है यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है RCOOH प्लस एसिड और अल्कोहल बन जाता है यहाँ पे। बट यहाँ पे ये देखना है कि जब भी स्टर का रिएक्शन NOH एंड फिनोक्टिलीन के साथ कराते हैं तो जो फिनोक्टिलीन का एक्चुअल कलर पिंक है वो कलरलेस हो जाता है। पिंक से वो क्या हो जाता है आफ्टर रिएक्शन वो कलरलेस हो जाता है। जैसे वो कलरलेस हो जाएगा वहां पे वो समझ पाएंगे वो फिनोक्टिलीन स्टर के साथ ही रिएक्ट किया होगा तभी वो पिंक से कलरलेस हो गया। क्लियर है यहाँ पे सबको? इसमें रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्या बन रहा है, बट याद रखना है स्टर का रिएक्शन जब भी फिनोक्टिलीन विथ बेसिक मीडियम में कराता है यहाँ पे है तो जो फिनोक्टिलीन का एक्चुअल कलर होता है इस कंपाउंड का वो कलरलेस हो जाता है आपका वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कलरलेस आफ्टर रिएक्शन। तुम लोग समझ पाएंगे कि ये क्या रहा होगा स्टर ही रहा होगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। और एक पॉइंट कहीं भी अगर आ जाए लिखा हुआ कि फ्रूटी स्मेल लिक्विड दैट मींस वहां पे कौन सा लिक्विड की बात किया जा रहा है स्टर का या स्वीट स्मेलिंग लिक्विड आ रहा है वहां पर कंपाउंड की बात किया जा रहा है स्टर पर। एक स्टर के लिए बस एक ही टेस्ट है इसको याद रखना यहाँ पे फिनोक्टिलीन का जो कलर होता है आपका रिएक्शन वो चेंज हो जाता है। सर हाँ बताओ प्रोडक्ट में एनए का है वो बाय प्रोडक्ट आता है वहां पे जो फिनोक्टिलीन जो कंपाउंड है उसके साथ चला जाता है एनए यहाँ पे। एनए जो होता है जो फिनोक्टिलीन ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट वो काफी कॉम्प्लेक्स है इसे मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ उसका और वो फिर एनए जो रहेगा इसके साथ चला जाता है। फिनोक्टिलीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और वो फिर फिनोक्टिलीन के साथ एनए चला जा रहा है। यहाँ पे सिंपली याद रखना कि स्टर क्या करता है जो फिनोक्टिलीन कंपाउंड होता है उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो उसका कलर चेंज कर देता है। बाकी कोई भी फंक्शनल ग्रुप फिनोक्टिलीन का कलर चेंज नहीं कर पाता आपका। क्लियर है? ये आ रहा था इस्टर के लिए टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें अमाइड के लिए टेस्ट फॉर अमाइड। टेस्ट फॉर अमाइड अमाइड फंक्शनल ग्रुप अमाइड क्या होता है इसमें आर सी डबल बॉन्ड NH2। ये क्या रहा यहाँ पे प्राइमरी अमाइड टाइप से आर सी डबल बॉन्ड NH2। और अमाइड का रिएक्शन जब भी NOH के साथ कराते हैं और ही इसमें जो कंपाउंड बनता है तुम्हारा यहाँ पे बन जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एन ए प्लस प्लस NH3। और जैसे ही NH3 बन जाता है NH3 बनते ही जो इसका NH3 का अमोनिया का जो स्मेल होता है वो काफी अनप्लीजेंट सा होता है यहाँ पे।
टोटल एक्सपेंस सर क्या बता रहे अमोनिया का स्मेल आता है बेसिकली, और जो अमोनिया का एक्चुअल स्मेल आता है उस अनप्लेजेंट सा आता है वो। यहाँ पे जैसे स्मेल ऑफ अमोनिया आप आता है वो समझ पाएंगे कि NOH किसके साथ रिएक्ट क्या होगा, अमाइड के साथ, बस ये याद रखना है स्मेल ऑफ अमोनिया, क्योंकि हम लोग कंपाउंड तो देख नहीं पाएंगे उसमें क्या बना है। मान लो अमाइड का रिएक्शन तुम NOH के साथ करा रहे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा उसमें तो कौन सा कंपाउंड बना है, बट जैसे उसका स्मेल आना शुरू होता है, जैसे अमोनिया के जैसा स्मेल आना शुरू होता है, हम लोग समझ पाते हैं कि अमोनिया उस रिएक्शन में उस बीकर में बन चुका है आफ्टर रिएक्शन, और वो अमोनिया कब बना होगा, जब ये NOH किसी अमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, स्पेशली प्राइमरी अमाइड, क्लियर है। और जब प्राइमरी अमाइड के साथ NOH रिएक्ट करेगा तभी वो अमोनिया का स्मेल आ पाता है। अमाइड के जो टेस्ट है प्राइमरी अमाइड के लिए मेनली, वो क्या होता है NOH के साथ जैसे रिएक्शन होता है तो अमोनिया का स्मेल आना शुरू होता है, तो हम समझ पाएंगे वो अमाइड कंपाउंड बता रहा है इसके टेस्ट के लिए। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें टेस्ट फॉर अमाइन, तो यहाँ तक कॉपी करो। इसमें बस याद रखना है स्टर के लिए कौन सा टेस्ट होता है, फिनॉक्सीन का कलर चेंज हो जाता है, अमाइड के लिए क्या होता है जैसे NOH के साथ रिएक्शन कराते हैं इसमें अमोनिया का स्मेल आना शुरू हो जाता है, अमोनिया का स्मेल के साथ अनप्लीजेंट स्मेल होता है। सर 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड के लिए नहीं होता, उसके लिए नहीं हो पाया क्योंकि उसमें अगर देखोगे तो उसमें अमोनिया बन ही नहीं पाता, क्योंकि जब थोड़ा मैं रिएक्शन को बताऊं यहाँ पे है, इसमें जो RCA डबल बॉन्ड हो सोचो यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे NOH का ONA यहाँ पे आ जाता है, NOH का ONA आ गया यहाँ पे, बच क्या गया यहाँ पे H, और ये H किसके साथ चला जाएगा NH2 के साथ, NH2 और एक H ये क्या बन जाता है NH3, और यहाँ पे जब अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड होगा यहाँ पे फिर वो रिएक्ट नहीं करता, वहां से अमोनिया नहीं बन पाएगा, क्लियर है। यहाँ पे ये NH2 और एक H मिलकर अमोनिया बना पाता है, जबकि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ठीक है कॉपी कर ली यहाँ तक, चलो तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट टेस्ट है, इसमें टेस्ट फॉर अमाइन, लास्ट फंक्शनल ग्रुप है इसमें अमाइन, टेस्ट फॉर अमाइन, बट उसमें 2-3 टेस्ट होता है उसको हम देखते हैं वहां पे अमाइन के लिए टेस्ट। टेस्ट फॉर अमाइन फर्स्ट टेस्ट है इसमें कार्बाइलेमिन टेस्ट, कार्बाइलेमिन टेस्ट ऐसे को बोलते हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब इसमें होता क्या इस टेस्ट में, यहाँ पे RNH2 कोई भी प्राइमरी अमाइन हो इसका रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH जैसे इसका रिएक्शन होता है यहाँ पे, इसमें जो फाइनल कंपाउंड बनता है RNC, और इस टाइप से अगर कहीं लिखा हो ऐसा कुछ नॉमेनक्लेचर में पढ़े थे कि CH3CN और नीचे अगर लिखा रहे CH3NC, ऊपर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, नाइट्राइल सही है, नाइट्राइल या साइनाइड दोनों जो बोल सकते हो, और नीचे कौन सा अगर स्टेप से लिखा रहे NC, ये कौन सा ग्रुप है,
आइसोसाइनाइड 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 सही है, ये साइनाइड और ये क्या आइसोसाइनाइड। यहाँ पे जो कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है आइसोसाइनाइड, दैट मींस तुम लोग क्या बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब देखते हैं यहाँ पे तो फाइनली जो ये आर एन एच टू आई है ये प्राइमरी एमीन होगा, और जब इसी प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन फ्लो फॉर्म एनएच के साथ होता है ये आर एन सी बनाता है, और जो आइसोसाइनाइड का टेस्ट होता है इसका भी जो स्मेल होता है वो भी कुछ अनप्लीजेंट सा स्मेल आता है, अनप्लीजेंट स्मेल। इसको लोग अनप्लीजेंट या इसको फॉल स्मेलिंग लिक्विड भी बोलते हैं यहाँ पर। और जैसे यहाँ पे प्राइमरी एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एनवेज के साथ कराता है यहाँ पे, और उसमें अगर अनप्लीजेंट सा स्मेल आना शुरू हो जाता है तो समझ पाते हैं कि उसमें आइसोसाइनाइड बन चुका है। ये क्या रहा है इसमें आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड बन चुका है तो किसके साथ आइसोसाइनाइड बना पाएगा, ओनली प्राइमरी अमाइन के साथ। ये याद रखना यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पे नोट भी कर लेना था, ओनली प्राइमरी अमाइन, ओनली प्राइमरी अमाइन विल गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, ओनली प्राइमरी अमाइन विल गिव आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन, दोनों में से जो भी है, क्योंकि आइसोसाइनाइड को कार्बाइल अमाइन भी बोला जाता है, गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्लियर है यहाँ पे है, ओनली प्राइमरी अमाइन के लिए टेस्ट होता है। अब मान लो तुम्हें दिया गया कि प्राइमरी अमाइन भी है, अलग अलग विकर में प्राइमरी अमाइन भी है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन भी है, उसमें से तुम्हें बोला जाए कि उसमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सा प्राइमरी अमाइन है, और प्रैक्टिकल कराया जाए स्कूल में इस टाइप से क्वेश्चन रहे, उसमें क्या करो तीनों अमाइन का, तीनों अमाइन वाले बीकर में क्लोरोफॉर्म और एनएच डाल दो उसमें, और जिसमें से तुम्हें अनप्रेजेंट स्मेल आना शुरू हो जाएगा दैट मीन्स वही अमाइन कौन सा होगा प्राइमरी अमाइन। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 degree and 3 degree amine do not give carbyl amine taste. Do not give carbyl amine या isocyanate जो भी word use करो। अब ये important taste है, इसलिए question को question भी कर रहे हैं, यहाँ तक topic भी करो। Which of the following will give isocyanide test? Isocyanide test क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि isocyanide finally बन पाता है as a product, और भी कुछ compound बनता है इसमें as a product, but मैंने तो organic product की बात कर रहा हूँ। isocyanide test फर्स्ट ऑप्शन है इसमें NH2, सेकंड ऑप्शन है इसमें NH2, थर्ड ऑप्शन है इसमें NH2, फोर्थ ऑप्शन है इसमें NH। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेसिकली है, इसमें चेक करके बताना है कि कार्बाइल एमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन कौन सा देता है एबीसीडी। बता सब लोग बता सकते हैं इसमें आसान सा है, पर देखना कि प्राइमरी अमाइन कौन सा, बस ये चेक करना है। और अमाइन का डिग्री हम लोग बेसिक स्टार्टिंग में सीख चुके हैं, नितिन के एंड सी उनके भी आंसर आ रहा है, आर्यन, बाकी लोग भी ट्राई करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ चेक क्या करना है डिग्री अमाइन का, डिग्री चेक करना है, अगर प्राइमरी अमाइन है वो आइसोसाइनाइड टेस्ट दे पाएगा।
योगिनी आदित्य आयुष के आंसर आ रहा है, देखता मैं आंसर अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, सब ट्राई कर रहा हूँ, बस अमाइन का डिग्री चेक करना है कि प्राइमरी अमाइन कौन कौन सा आ रहा है। अब देखोगे मैंने ये एक क्वेश्चन इसलिए किया था कि कुछ लोगों को अभी अमाइन का डिग्री चेक करने में भी दिक्कत है, मानस के भी आ रहे हैं, चेक करते हैं यहाँ पे, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट तो सबका आ रहा है इसमें, क्योंकि ये क्या रहा है, अब चेक करोगे यहाँ पे कि अमाइन का डिग्री कैसे चेक करते हैं। तो अमाइन का डिग्री हम नाइट्रोजन की डिग्री के बेसिस पे चेक करते हैं, दैट मीन्स नाइट्रोजन से कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है, यहाँ पे नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये प्राइमरी अमाइन, क्लियर है। अमाइन का डिग्री नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड होता है इस बेसिस पे चेक करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये प्राइमरी अमाइन, ये टेस्ट दे पाएगा। बी में देखना है कि बी कैसा अमाइन है, तो बी ऑप्शन में भी देखना है कि ये नाइट्रोजन कितने कार्बन कनेक्टेड है, सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, और एक ही कार्बन कनेक्टेड है, ये भी प्राइमरी अमाइन ही है, क्लियर है, ये भी ये टेस्ट दे पाएगा आइसोसाइनेटिन, क्योंकि ये भी तो प्राइमरी अमाइन ही है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग इसमें मिस्टेक कर रहे हो गए कि अमाइन का डिग्री कैसे चेक करते हैं, तो नाइट्रोजन से जितना कार्बन कनेक्टेड है तो उसके बेसिस पे चेक करते हैं, ये भी प्राइमरी अमाइन है। कितने डिग्री का अमाइन है यहाँ पे, डी ऑप्शन 2 डिग्री, क्योंकि इस नाइट्रोजन से दो कार्बन एटम कनेक्टेड है, एक ये सी एच थ्री और एक ये 2 डिग्री आती है, टेस्ट नहीं दे पाएगा। आंसर क्या आ जाता है इसका, ए बी सी, क्लियर है। क्वेश्चनों के सिर्फ ए एंड सी आ रहे थे, उसमें बी भी रहेगा, क्योंकि बी भी प्राइमरी अमाइन ही आ रहा है, सेकेंडरी कब होता जब इस टाइप से रहा था, ये सेकेंडरी नहीं है बी ऑप्शन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन इस टाइप अगर आता है तो उसको कर पाओगे कि साइंटिस्ट कौन देता है, ओनली प्राइमरी अमाइन। तो कॉपी करो जल्दी से यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं वो इसमें। यहाँ पे जो बुलेट में क्वेश्चन दिया सब इसी टाइप से क्वेश्चन, वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन दिया गया कि किस टाइप कौन कौन रिएक्ट करेगा, रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो कभी नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर। कर ले कॉपी, कर ले सब लोग यहाँ पर। इसी का अमाइन का ये फर्स्ट टेस्ट था सर, 1 मिनट, ठीक है कॉपी कर लो। कर ले कॉपी, कर लिया अभी यहां तक। चलो ठीक है आगे देखते हैं इसमें, यहां पे इसी में नेक्स्ट टेस्ट है, इसमें सेकंड टेस्ट ऑफमैन मस्टर्ड डाइट टेस्ट, ऑफमैन मस्टर्ड डाइट टेस्ट। ऑफमैन तो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे दिया गया, बाकी मस्टर्ड आयल टेस्ट क्यों दिया गया नेम देखते हैं अभी हम लोग। ऑफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट, इसका भी रिएक्शन अगर यहाँ पे हम लोग अमाइन के साथ कराते हैं आरएनएच के साथ, और इसका रिएक्शन अगर CH2 के साथ कराते हैं डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड है, ये क्या है CH2, देखिए CO2 होता है स्ट्रक्चर आगे देखेंगे, देखिए CO2 है, इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
तो फिर बॉन्डिंग वाले चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या रहा है कि अमाइन का रिएक्शन आरएनए के सीएच2 के साथ होगा, कि जो कंपाउंड बनाता है यहाँ पे आरएनएच सी डबल बॉन्ड एस और ये एसएच, और इसका रिएक्शन फर्दर जब HgCl2 के साथ होता है यहाँ पे, ये जो कंपाउंड बनाता है यहाँ पे आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस, और इसको बोलते हैं अल्काइल आइसो थायोसाइनेट, और यही जो फाइनल कंपाउंड बनता है यहाँ पे, इसी का जो टेस्ट होता है सर, इसी का जो स्मेल रहता है वो क्या रहता है, मस्टर्ड ऑयल का जो स्मेल होता है, स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, टेस्ट आप लिख सकते हो स्मेल सेम एज मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का मीनिंग क्या है इसमें, यहाँ पे हिंदी में बात करो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल दैट मीन्स सरसों का तेल, दैट मीन्स जो मस्टर्ड ऑयल का जैसा स्मेल होता है वैसा ही स्मेल अगर फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद इसका आना शुरू हो जाता है, और वैसा ही स्मेल आना शुरू हो जाएगा वो समझ पाएंगे ये जो अमाइन होगा ये भी क्या होगा आर एन एच टू लिखा गया है, दैट मीन्स ये भी प्राइमरी अमाइन है। ये जो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट होता है ये भी मेनली किसके लिए रहता है, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन के लिए। यहाँ पे एक नोट भी लिख लेते हैं। अब सर बोलोगे सर इसमें याद कैसे रखना है, बस याद इतना रखना है कि मस्टर्ड ऑयल टेस्ट जो होता है ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन, जब ये आफ्टर रिएक्शन CH2 के साथ जब रिएक्ट करता है और HgCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो जैसे इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनता है जैसा स्मेल मस्टर्ड ऑयल का होता है वैसा स्मेल इस कंपाउंड का भी होता है, डेट में इसको नेम क्या दिया गया है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ये रहा यहाँ पे है रिएक्शन को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखना कि कैसे कैसे सर रिएक्शन हो रहा है, बट जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसमें उसका स्मेल जरूर याद रखना किस टाइप का होता है, तो स्मेल मस्टर्ड ऑयल का रहता है। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, अमाइन डू नॉट गिव मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट बस ये ध्यान रखना कि मस्टर्ड ऑयल टेस्ट में CH2 का रिएक्शन जब होता है फाइनल इस टाइप का कंपाउंड बनता है और उसका फर्दर रिएक्शन HgCl2 के साथ जैसे होता है ये कंपाउंड जैसे बना उसका स्मेल आ जाता है मस्टर्ड ऑयल। अब इसमें भी क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं इसमें भी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, इसमें भी क्वेश्चन रह सकता है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, जो प्राइमरी अमाइन होगा वही मस्टर्ड ऑयल टेस्ट दे पाएगा, क्लियर है, तो बस 4 ऑप्शन में देखना कि प्राइमरी अमाइन कौन सा, ऐसा नहीं कि अमाइन ही रहे कुछ भी हो सकता है वहाँ पे अल्कोहल भी दे दे, इसमें सिर्फ चेक करना है कि जो प्राइमरी अमाइन है वही हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट या सिंपली मस्टर्ड ऑयल टेस्ट क्वेश्चन में रह सकता है, सिर्फ प्राइमरी अमाइन ये टेस्ट देता है। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें थर्ड टेस्ट इसी में कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहां तक। यस सर, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्रमो इसमें थर्ड टेस्ट है इसी में इंस्पिरल रिएजेंट टेस्ट।
इंसबर्ग एच आई एन एस इंसबर्ग रिएजेंट भी अब इंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है इसमें होता है शॉर्ट में पीएच एसओ टू सी एल देखिए लुकास रिएजेंट लोग पढ़े थे लुकास रिएजेंट क्या था कंसंट्रेटेड एच सी एल एंड एनहाइड्रस जेडन सी एल टू को लुकास रिएजेंट बोलते हैं तो उसी तरह याद रखना है कि इंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है यहाँ पे pH, pH का मतलब क्या है व्यंजन मिंग सही है pH SO2 Cl इंसबर्ग रिएजेंट की और यहाँ पे देखना है कि जब प्राइमरी अमाइन के साथ इसका रिएक्शन होता है इस टाइप से अगर आ रहा हो RCH2 NH2 इसका रिएक्शन अगर यहाँ पे pH SO2 pH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl के साथ होगा यहाँ पे इसमें जो कंपाउंड बनाता है आर सी एच टू एन एच एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ पी एच पी एच का मतलब क्या है बेंजीनिंग से फिनाइल रिंग है और एज ए बाय प्रोडक्ट ये क्या बन जाएगा एच सी एल हम लोग बाय प्रोडक्ट में देखते हैं यहाँ पे हम लोग अब ये जो जैसे कंपाउंड बना इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करा दिया जाए कोई भी बेस पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो ये जो कंपाउंड होता है उस बेस में सोल्युबल होता है कंपाउंड इज सोल्युबल इन बेस कंपाउंड इज सोल्युबल इन बेस और वो जो कंपाउंड बना फाइनली इस बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है या बेस में सोल्युबल हो जाता है हम लोग समझ पाएंगे ये जो अमाइन है वो कैसा अमाइन रहा होगा प्राइमरी अमाइन सेम सेकेंडरी अमाइन की बात करें यहाँ पे हम लोग RCH RN R और ये H R यहाँ पे क्या होगा कोई भी अल्काइल ग्रुप इसमें CH3 N CH2 R और यहाँ पे क्या हो H दैट मीन्स ये सेकेंडरी अमाइन जो भी रहे यहाँ पे और जब सेकेंडरी अमाइन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग इसी इंसबर्ग रिएजेंट के साथ पीएच एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सी एल इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे सी एच थ्री एन सी एच टू आर और ये क्या बन जाता है एस डबल बॉन्ड ओ पीएच और जब ये इस कंपाउंड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं ये कंपाउंड बेस में इनसोल्युबल होता है कंपाउंड इज इनसोल्युबल इन बेस ये सोल्युबल नहीं हो पाता और बेस में अगर इनसोल्युबल है तो क्या समझ पाएंगे वो कौन सा अमाइन रहा होगा सेकेंडरी अमाइन और इस सबका रिएक्शन ये बेस में सोल्युबल हो जाता है ये कंपाउंड वो समझ पाएंगे ये प्राइमरी अमाइन रहा है क्यों सोल्युबल होता है और ये क्यों सोल्युबल नहीं है इसका भी रीजन है बट उसको हम लोग एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होता है क्योंकि हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो पाएगा और एक लास्ट CH3 ये कितने डिग्री का अमाइन आ रहा है यहाँ पे थ्री डिग्री क्योंकि नाइट्रोजन से तीन तीन कार्बन कनेक्टेड है थ्री डिग्री अमाइन और जब इस थ्री डिग्री अमाइन का रिएक्शन इसके साथ कराते हैं यहाँ पे हम लोग पीएच एच डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सीएल इसका इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता है और जब कोई रिएक्शन होता ही नहीं फिर आगे हम लोग फिर चेक करने की जरूरत नहीं होती क्लियर है यहाँ पे किस टाइप इसमें सोचना होता है तो 3 डिग्री अमाइन का कोई भी रिएक्शन इंसबर्ग रिएजेंट के साथ नहीं हो पाता यहाँ पर एक यहाँ पे नोट भी लिखोगे कि इंसबर्ग रिएजेंट से इंसबर्ग फॉर्म इंसबर्ग रिएजेंट वे डिस्टिंग्विश बिटवीन
distinguish between primary amine, primary, secondary, and tertiary amine. रिजल्ट जो पीछे जो दो टेस्ट पड़े थे उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ उसमें लोग प्राइमरी को डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे सेकेंडरी एंड टर्सरी को। बट हिंसबर रिएजेंट जो होता है उसमें लोग प्राइमरी को भी अलग कर पाएंगे, सेकेंडरी को भी अलग कर पाएंगे और टर्सरी को भी अलग कर पाएंगे। तो कॉपी करो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं दोबारा से वो। इसके बाद सिर्फ एक लास्ट टेस्ट और है, देख लेना रहेगा हम आपको करता है वो भी। इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ये सोचना है कि तुम्हारे पास तीनों अमाइन है अलग अलग बीकर में, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है, कैसे पता करो कि किस बीकर में कौन सा अमाइन है? उसका रिएक्शन, तीनों का रिएक्शन करा दो हिंसबर्ग रिएजेंट इसके साथ, वो तुम्हें दिया जाएगा। ये जब भी प्रैक्टिकल होता है स्कूल या कॉलेज में तो तुम्हारे अलग बीकर में ये हिंसबर्ग रिएजेंट रहेगा, वहाँ पे इस पर लिखा रहा था कि ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, और वो तीनों बीकर में डाल दो जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है। जब प्राइमरी के साथ रिएक्ट करेगा वो किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, और जैसे वो कंपाउंड बना थोड़ी देर के बाद उसमें बेस भी डाल दो उसी बीकर में, और जैसे बेस डालोगे उसमें ये जो कंपाउंड मिलेगा तुम्हें तो बिल्कुल सोल्युबल फॉर्म में मिलेगा, इनसोल्युबल नहीं रहेगा। और बिल्कुल अगर सोल्युबल हो जाता है कंपाउंड बेस में तो समझ पाएंगे वो प्राइमरी अमाइन, इनसोल्युबल फॉर्म में मिल जाता है कंपाउंड दैट मींस वो क्या रहेगा, सेकेंडरी अमाइन रहा होगा, और कोई रिएक्शन ही नहीं किया वहां पे है दैट मींस बेस बाद में डाल रहे तो उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है वहां पे, ये रिएक्शन ही नहीं करता इस केस में, तो समझ पाएंगे वो टर्शियरी रहा होगा। एक बेसिक क्वेश्चन तो मेंस का टेस्ट होता है, जो जब भी पीयूसी का रहेगा और मेंस का, मेंस पैटर्न का टेस्ट है, एक क्वेश्चन तो इस टाइप से ही आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, PHSO2Cl। पीएच का मीनिंग क्या, मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूँ इस टाइप से भी रह सकता है स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में, बेंजीन एस डबल बॉन्ड डो डबल बॉन्ड डो Cl, इसलिए क्या बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। कर ले कॉपी कर लिया था सब लोग, तो बताओ सब लोग कॉपी कर लिया यहां तक? यस सर। ठीक है सर, ठीक आगे बढ़ते हैं। लास्ट टेस्ट है इसमें फंक्शन ग्रुप में, और इसका भी लास्ट टेस्ट है अमाइन का भी, एजो डाई टेस्ट। एजो डाई टेस्ट एजो डाई टेस्ट अब इसमें जो एजो डाई टेस्ट होता है ये ओनली फॉर प्राइमरी एरोमेटिक केमिकल, एटमिस एनिलीन की बात कर रहा था आप लोग। ये क्या होता है, NH2 प्राइमरी अमाइन तो है बट वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग बेंजीन से कनेक्टेड है, इसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे प्राइमरी एरोमेटिक एनिल, प्राइमरी एरोमेटिक एनिल, प्राइमरी एरोमेटिक एनिल। और इसका रिएक्शन इस कंपाउंड का ये जो आ रहा है यहाँ पे NH2 करा देता हूँ यहाँ पे NaNO2HCl, ये कंपाउंड बना लेता है यहाँ पे N2+Cl-, और जैसे ये N2+Cl- बनता है यहाँ पे
इसका फर्दर रिएक्शन करा देते हैं इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड के साथ यहाँ OH, और इसका जो मीडियम रहता है यहाँ पे pH का वैल्यू 9 to 10 रखते हैं, और pH का वैल्यू 9 to 10 है, किस मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, बेसिक या एसिडिक? बता कोई भी, pH का वैल्यू अगर 9 to 10 दिया गया बेसिक, सही है सही है, ये क्या रहता है बेसिक मीडियम, ये जो रिएक्शन होता है पीएच के वैल्यू में 9 to 10 रखते हैं, दैट मींस इट्स स्लाइटली बेसिक रहता है यहां पे। अब इस कंपाउंड का नेम क्या है, कोई बता सको यहां पे है? इस कंपाउंड का नेम क्या होता था? सही है, कुछ सही है, बट मैं थोड़ा और चेक करता है। ये नेफ्थलीन से बन रहा है, इस नेफ्थलीन के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पे OH होता इसको बोलते हैं अल्फा नेफ्थॉल, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, अब OH इसमें यहाँ पे आ रहा है इसको बोलते हैं बीटा नेफ्थॉल, ये क्या है? इस OH वाले इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं अल्फा नेफ्थॉल, क्योंकि इसके एस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन तो OH है, ये बीटा नेफ्थॉल, और इसका रिएक्शन जैसे यहाँ पे आ जाता है इस केस में, इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे इसी स्टेप पर आएगा, इसमें यहाँ पे OH N डबल बॉन्ड N, और ये क्या था बेंजीनिंग आ रहा था यहाँ पे, बेंजीनिंग आ रहा था, और जैसे ये कंपाउंड बनता था ये ऑरेंज डाइट, ऑरेंज कलर का होता है यहाँ पे, बोलते भी ऑरेंज डाइट चीज, या सिंपली डाइट डाइट चीज, जब भी अगर जो देखोगे डाई जो होता है इसमें यहाँ पे, या हेयर डाई का जो पैकेट होता है उस पर भी देखोगे किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा था, उसके अंदर अगर जो कॉम्प्लेट होता है उसमें देखोगे, ये जो कंपाउंड होता है यहाँ पे फ्रेंडली ऑरेंज डाई के, इतना कुछ भी याद नहीं रखना है, मैं जो याद रखना है कि ये जो डाइट टेस्ट कौन सा कंपाउंड देता है, ओनली प्राइमरी एरोमेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक इवन बोलने का मतलब क्या है, कोई एमीन एनएच2 ग्रुप बेंजीन से कनेक्टेड है, क्लियर है यहाँ पे, और आफ्टर रिएक्शन इस टाइप का कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड बनता है यहाँ पे, क्योंकि अभी उसको रटने की जरूरत नहीं, कैसे बनता है वो आगे बताते हैं। चलो ये था हमारा लास्ट इसमें फंक्शनल का टेस्टिंग POC का पार्ट, नेक्स्ट क्लास में लोग इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे, बट तुम लोगों का होमवर्क क्या है आज का, जितना भी जो टेस्ट पढ़े हैं उसको एक घंटे अच्छे बैठ करके देख करके अलग से टाइम देना, एक घंटे, और उसमें देखना कि कौन कौन सा ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है, और इस पर प्रॉपर प्रैक्टिस कर लोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टेस्ट पे इस POC पे बेस्ट कुछ 4-5 क्वेश्चन करेंगे कम्बाइंड टाइप का, क्योंकि अब जब पता होगा कि कौन सा टेस्ट देता है तभी वो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, स्पेशली एडवांस लेवल का, मेंस टेबल का क्वेश्चन तो आज ऐसा कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, अभी इस टाइप का रहेगा तुम्हारा मेंस टेबल का, बट कुछ एडवांस टाइप का नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है यहाँ। आज के लेक्चर में कुछ डाउट हो किने को तो पूछ सकते हो यहाँ पे है। तो ठीक है, इसमें बस बहुत ज्यादा टाइम में देने टेस्ट पे संडे को आईपीएसएन में इसका प्रिपरेशन भी करना है, बट जब भी अगला क्लास होगा तो क्लास से पहले हाफ एन आवर या 1 आवर पहले इसको एक बार बस रिवाइज कर लोगे POC का जितना भी टेस्ट में पड़ा है, जिससे कि जब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करें इस पे बेस्ट तो वहाँ पे कुछ समझ में आ पाए क्लियरली वहाँ पर। सेंटर पे मैं किस टाइम पे आऊँगा, 1 बजे तक तो लेक्चर ही है, 1 लेक्चर और भी है मेरा 11:30 से 1 बजे तक, तो मैं 1:30 से 2 बजे के बीच में सेंटर पे आऊँगा, और जब 2 बजे आऊंगा तो मैं रहूंगा वहां पे 4 बजे तक, तो 2 बजे के बाद जब भी आ सकते हैं। चलो ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, वैसे टाइम भी, बट नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर नहीं सकते इसमें यहाँ पे है, और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो तो तुम्हारा थ्योरिटिकल टॉपिक है 1-2 लेक्चर का,
उसको डायरेक्टली जो बुकलेट में कुछ गिवन है उसमें हम लोग डायरेक्टली उसको बुकलेट से देखेंगे कि क्लिक कर रखा है कंप्लीटली थ्योरेटिकल है वो। तो ठीक है फिर मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी टेस्ट के लिए अभी ज्यादा फोकस करना है, ये तो होमवर्क को करना ही है, बाकी जो टेस्ट है उस पर कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आए। और कोशिश करो ऐसा नहीं कि जो भी उसमें है J1 में उसको अच्छे मार्क्स उससे भी लाए थे, इस बैच में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को सेम ही टीचर पढ़ाते हैं दोनों बैच को, हर कोई अच्छे स्कोर ला सकते हैं। तो ठीक है अभी मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, आई थिंक सब लोग नोट भी कर लिया होगा यहाँ तक का। बाय सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर।